तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो मेरी वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, आज वीडियो होने वाली है नामंत्रण पे। आप कैसे नामंत्रण करें, किस प्रकार के नामंत्रण होंगे और आप सब अपने मोबाइल से कैसे नामंत्रण के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप फटाफट अपना नामंत्रण करा लीजिए। चलो ठीक है दोस्तों, नामंत्रण के लिए कोई भी व्यक्ति वेबसाइट जो मैंने डिस्कशन पे दे रखा हूँ वीडियो, उस पर लिंक है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं। और ऑनलाइन करने के लिए कियोस्क लोक सेवा केंद्र पटवारी अथवा पंचायत सचिव के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन की पावती भी ऑनलाइन मिलेगी। लोगों को अब नामांतर के लिए दफ्तरों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व से संबंधित प्रकरणों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रेव्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। नामांतरण के कौन कौन नामांतरण होंगे, कैसे नामांतरण होंगे, यानी नामांतरण के कैसे प्रकार होते हैं, चलो। फोती नामांतरण होगा, सभी वासियों के हक के आधार पर खातेदार की मृत्यु होने के उपरांत उसके वेद वारसियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना है। फोती नामांतरण कुछ वारसियों के हक त्याग के साथ साथ खातेदार की मृत्यु होने के उपरांत जिन वारसियों में अपना हक त्याग कर दिया है उन्हें छोड़कर शेष वेद वासियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किया जाना है। फोती नामांतरण वसीयत के आधार पर खातेदार द्वारा खातेदार की जीवन काल में वसीयत नामा कराने पर उसकी मृत्यु के बाद उसके आधार पर नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना है। पंजीकृत विक्रय पत्र के दान पत्र के आधार पर खातेदार अपनी भूमि की सुरक्षा से किसी अन्य बिना प्रतिफल लिए हस्तांतरण करता है। पंजीकृत विनिमय पत्र के आधार पर भूमि की अदलावली व्यापार न्यायालय की डिग्री के आधार पर व्यापार न्यायालय द्वारा भूमि खातेदार स्थान पर से अन्य व्यक्ति के नाम किए जाने का आदेश। नाबालिग से बालिक होने पर खातेदार के वयस्क बालिक हो जाने पर रिकॉर्ड का अद्यतन। बटाई बंधक दर्ज करने हेतु भूमि पर बैंक से ऋण लेने जाने के उपरांत भूमि का बंधक कराना। बटाई बंधक विमुक्त करने हेतु ऋण वापस जमा कराने उपरांत भूमि को विमुक्त किया जाना है। किसी प्रकार के हक अर्जन द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रकारों से भिन्न प्रकार से हक अर्जन होने पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों, जी मैंने नामांतरण के प्रकार बताए हैं, इस तरह के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने हक का अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। नामांतरण यानी कोई भूमि जमीन हो वो अपने नाम कराना, उसे नामांतरण कहते हैं। नामांतरण कराने के लिए अभी सरकार, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उसने अभी एक रिव्यू बनाया है जो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखा हूँ, उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आवेदन करना आपको सिखाते हैं, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। तो जी, आपने साइट देख रहे होंगे, इसमें लिखा है आवासीय पट्टे के लिए आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें। दोस्तों, एक ऐसा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेजन ओपन हो जाएगा, उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट और ज़रूरी जानकारी इसमें हम डालेंगे। तो दोस्तों, जी आप देख रहे होंगे इस तरह का फॉर्म हमारे सामने खुल जाता है। फॉर्म खुलने के बाद आप देख रहे होंगे नीचे पूरी तरह से इसमें क्या क्या लगेगा, पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। तो पहले हम अपना ज़िला चुनेंगे, आपका कोई भी ज़िला हो, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने उदाहरण के लिए भोपाल डाल लिया है। फिर पूछता है सब डिवीज़न, तो इसमें मैं वही एमपी नगर डाल देता हूँ, सिर्फ एक आपके लिए बताने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। फिर तहसील डालिए आप, तहसील डालने के बाद आईआर सर्कल डालेंगे, वही एमपी नगर है। वो डालने के बाद फार्म को दूसरा फिल करना पड़ेगी, जानकारी फिल करने के बाद अब आपसे पूछेगा पटवारी हलका नंबर, जैसे आप भोपाल के एमपी नगर के, वहीं का हलका लगेगा। तो इस हलका लगाने के बाद इसमें पूछेगा ग्राम, तो हम वहीं के आसपास का कोई भी गांव ले लेते हैं या एमपी नगर का ही ले लेते हैं। अब उसमें पूछ रहा है कि आपका न्यायालय कौन सा है, मौके के आप भोपाल से एमपी नगर से वहीं का जो कोर्ट न्यायालय लगेगा, तो हमने वहीं का एमपी नगर का चुन लिया। फिर पूछता है आवेदकों की सीमा का विवरण, यानी आवेदकों की अब यहाँ जानकारी फिल होगी। तो इसमें दिया है एक्ट जिसके अंतर्गत पट्टा आता है, तो हम पहले ही इसमें चुन लेते हैं जिसका भी आपका पट्टा आता है, वो हम पहले ऑप्शन चुन लेते हैं। जी बहुत सारे ऑप्शन हैं,
तो हम पहला चुन लेते हैं, उसमें आएगा वादी। वादी यानी जो आवेदन कर रहा है, जिसको हक अपना नामांतरण कराना है, वो वहाँ पे अपना नाम डालें। उदाहरण के लिए मैंने राम नाम लिख दिया है, पिता का नाम सिर्फ बताने के लिए यानी मोहन डाल दिया है। पता वही डलेगा जहाँ MP नगर की हो, जहाँ से आप आवेदन कर रहे हो, जिस खसरा खतौनी वहाँ के डाल रहे हो, वहाँ का नाम एड्रेस डलेगा। तो मैं MP नगर यहाँ का चुन लेता हूँ। फिर फ़ोन नंबर के लिए मैं 00 डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपना मोबाइल नंबर डाल दें। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जानकारी मिल सके। तो आप जो भी कैटेगरी हो, जाति वर्ग हो, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर आता है सामाजिक आर्थिक वर्ग, आप APL हैं, BPL हैं या सादा हैं। तो मैं यहाँ नॉर्मली APL सबके पास रहता है, तो APL डाल लेते हैं। तो फिर आता है मकान का प्रकार, आपके पास कच्चा है या पक्का है, तो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण के लिए हम कच्चा डाल देते हैं। फिर पूछा है आपका क्षेत्रफल, आप कितने वर्ग स्क्वायर फुट में रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं अब यहाँ से डालता हूँ 25x40, 1000 स्क्वायर फुट बनाता हूँ मैं। आपका प्लाट है, उस हिसाब से मैं बना लेता हूँ। यहाँ से वर्ग मीटर अपन चुनेंगे, तो हम इनसे वर्ग फुट चुन लेंगे, यानी 1000 25x40 हो गया, 1000 हो गया। अब ये पूछता है उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन, पूर्व में, पश्चिम, यानी आप किस बीच में, आपका मुख्य केंद्र क्या है। तो आपके उत्तर में कौन है, तो हम रोड चुन लेते हैं। दक्षिण में क्या है, वो हम यहाँ से चुन लेंगे। पूर्व में, पश्चिम में, इस तरह से हम अपना जो भी आपके आसपास हो, उत्तर में कौन रहता है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या, और ये डाल देते हैं। पूर्व में क्या, ये डालने के बाद फिर आएगा अपना, ये फटाफट मैं डाल लेता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा भी स्किप करने ना करें। और मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और लाइक दोस्तों बनता है, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, वीडियो बड़ी टाइम से आती है। वह फिर आपका सर्वे, जो भी आप सर्वे या खसरा खतौनी B1 हो, वो डाल दें। और यहाँ से मैंने नया जोड़ें, यहाँ से वो सेव करूँगा, जो जानकारी है वो सेव हो जाएगी। और अन्य के आपको आवेदन करना, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ से मैंने वो जानकारी फिल कर ली है जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऐड हो गया है। बादी का नाम, पिता का नाम, पता, फ़ोन नंबर, जाति, सामाजिक, हाउस वगैरह, ये सब उत्तर दक्षिण में डाल दिया है। यहाँ से आप ये पूरी जानकारी ऐड जोड़े के नाम जोड़ने के बाद ही ये देखेगा। तो यहाँ से मैंने पूरी जानकारी, जी आप देख रहे हैं, खसरा डाल के यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें एडिट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एडिट ना कर सकें। फिर इसके बाद ये सब फिल करने के बाद फिर आता है दस्तावेज। दस्तावेज क्या क्या चाहिए, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहला डालिए अपने पंचायत प्रमाण पत्र, वहाँ की आप जो पंचायत लगती हो, नगर पालिका लगती हो, प्रे स्थल का फ़ोटो, जो आपकी जगह है वहाँ का फ़ोटो आपको चाहिए। फिर आता है नजरिए नक्शा, जी हमारे पटवारी बनाते हैं, वहाँ का नक्शा हो वो डालेंगे। फिर यहाँ से चॉइस फाइल डालेंगे, यहाँ से डालने के बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। ये मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है, तो इसके करने के बाद मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एरर आ जाता है, आपने कृपया सेगलिन दस्तावेज चुने। तो यानी मैंने यहाँ से कुछ चुनना पड़ेगा, मैंने अभी पंचायत प्रमाण पत्र डाला है, वो डालने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे। सेव